निरीक्षक आरपीएफ थाना नागपुर आरएल मीना अपराध रोकथाम ड्यूटी स्टाफ आरक्षक प्रवीण चौहान आरक्षक राजेश गढ़पाल पर तथा उप निरीक्षक एचएम जायसवाल के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर रात्रि गश्त के दौरान इटारसी चौक के पास अनलोडिंग पार्सल सामान में से सिगरेट जैसी गंध आ रही थी। रेलवे की पार्सल गाड़ी से आरपीएफ ने गुरुवार को लाखों रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की है। जब्त सिगरेट की कीमत 33,42,000 रुपए बताई गई है। इसमें विदेश की पेरिस ब्रांड सिगरेट भी शामिल है। पेरिस ब्रांड सिगरेट 194 बंडल में 1,58,800 नकदी, जिसकी कुल कीमत 23,82,000 रुपए है। इसके अलावा गोल्ड स्टेज कंपनी की 8 बॉक्स थे, जिनमें 120 पैकेट में 96,000 नग सिगरेट मिली है। इसकी कुल कीमत 9,60,000 रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 12:30 बजे आरपीएफ थाने के निरीक्षक आरएल मीना अपराध रोकथाम ड्यूटी स्टाफ आरक्षक प्रवीण चौहान आरक्षक राजेश गढ़पाल और उप निरीक्षक एचएम जायसवाल के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान इटारसी छोर के पास अनलोडिंग पार्सल सामान में से सिगरेट जैसी गंध आ रही थी। ऑन ड्यूटी मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक अतुल श्रीवास्तव को घटना स्थल पर बुलाकर संयुक्त रूप से जांच की गई, जिसमें सिगरेट अनाधिकृत रूप से ले जाने की पुष्टि की गई। यह सिगरेट आधी पार्सल वाणिज्य विभाग द्वारा नागपुर स्टेशन पर अनलोड की गई है और बाकी आधी का पार्सल विशाखापट्टनम पहुंच गया है। दिनांक 1/7/2019 को रात्रि के समय लगभग 1 से 3 के बीच में प्लेटफॉर्म पर गश्त के दौरान ड्यूटी स्टाफ आरक्षक राजेश गढ़पलवार आरक्षक प्रवीण चौहान उप निरीक्षक एच एम जायसवाल के साथ प्लेटफॉर्म गश्त करने के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के बीच में मुंबई छोर पर कुछ पार्सल के बैगेज दिखाई दिए, जिसमें सिगरेट जैसी गंध आ रही थी। इस बाबत मॉर्निंग में पार्सल के सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेशन करके पता करने पर पाया कि उसमें सिगरेट है, जिसका थोड़ा फटा हुआ हिस्से से देखने पर उसमें पाया कि सिगरेट पर कुछ विदेशी पेरिस ब्रांड के सिगरेट जैसे दिखाई दे रहे थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि ये विदेशी सिगरेट हो सकती है। फॉरेन ब्रांड के सिगरेट होने के कारण उसकी जांच के लिए जानकारी कस्टम डिपार्टमेंट DRI को दी गई। इस पर DRI ने रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होकर उसका चेक किया। चेक करने पर उन्होंने बताया कि ये मैटर टैक्स से संबंधित है और इस प्रकार की सिगरेट का इंडिया में कारोबार नहीं किया जा सकता, इसलिए उक्त माल को सीज किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए DRI सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट नागपुर को सुपुर्द किया गया, जहां पर कस्टम एक्ट 1962 की अंडर सेक्शन 110 के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त माल दिनांक 30 जून को नई दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए शायद बुक किया गया है, जिसमें से कुछ माल विशाखापट्टनम चला गया और कुछ यहाँ उतर गया है। कॉमर्शियल ने कुछ टेक्निक खराबी के कारण उसको दरवाज़ा ट्रेन का टेक्निक खराबी दिखा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ उतारा गया था और उतारे हुए माल को जो आगे के लिए कस्टम को सुपुर्द किया गया, उसकी अनुमानित बाजार के अनुसार कीमत लगभग 33,42,000 रुपए आंकी गई है और उसमें से जो हिस्सा विशाखापट्टनम चला गया है उसके लिए RPF विशाखापट्टनम को भी सूचित किया गया है, वहाँ पे भी शायद उनकी तरफ से कार्रवाई जारी है। उक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में पूरी की गई। उक्त पार्सल में विदेशी सिगरेट होने के कारण सेंट्रल एक्साइज कस्टम DRI को सूचना देकर सिगरेट की जांच कराई गई, जिसमें टैक्स छुपाने की बात भी सामने आई है। इसलिए RPF उप निरीक्षक विनोद खरमाटी, निरीक्षक DRI नागपुर नरसिंहम और मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक अतुल श्रीवास्तव ने संयुक्त पंचनामा बनाया। पकड़ी गई सिगरेट को डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग के सुपुर्द किया गया। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।